नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे ग्रामर का नया पाठ सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को सीखने से पहले हम देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर वाक्य यानी ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, उसे वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, इसी वाक्य के दो अंग हैं, यानी दो प्रकार हैं, जैसे कि एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब पहले हम यह देखते हैं उद्देश्य और विधेय क्या है। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, विधेय यानी प्रेडिकेट। यहाँ पर उद्देश्य वाक्य में जो कर्ता होता है उसे कहते हैं उद्देश्य, और विधेय यानी उस उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो होता है विधेय। तो इस तरह से वाक्य और वाक्य के अंग को हमने देखा। अब हम मुड़ते हैं हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को जानने के लिए। उससे पहले हम देखते हैं कि उद्देश्य और विधेय का एक आधा एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर दिया है मोहन बाजार जा रहा है। यहाँ पर मोहन जो है वो है कर्ता यानी उद्देश्य, और बाकी उसके बारे में जो भी कुछ कहा है जैसे कि बाजार जा रहा है, ये जो है वो है विधेय। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पर मोहन कर्ता और बाजार जा रहा है, यह है विधेय। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वो होते हैं तीन। कितने भेद हैं वाक्य के रचना के आधार पर? तीन भेद होते हैं। वो तीन भेदों की जानकारी अब हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। सबसे पहले वाक्य का पहला भेद है सरल वाक्य। कौन सा है? सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। उसकी पहचान क्या है? जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है यानी कि एक ही विधेय होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सरल वाक्य होता है। कभी कभी बच्चों, यहाँ पर कर्ता एक के बदले अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि सरल वाक्य की पहचान यानी वहाँ पर मुख्य क्रिया एक ही होनी चाहिए। जिस वाक्य में क्रिया एक ही होती है, कर्ता भले एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही हो, तो वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि पानी बरस रहा है, राधा नाच रही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक ही क्रिया यहाँ पर हो गई है। अभी हम ये भी देख सकते हैं कि सीता और गीता स्कूल जा रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही कर्ता था, यहाँ पर पानी है, राधा है, लेकिन यहाँ पर दो कर्ता हुए, एक सीता और गीता। भले ही दो अलग अलग उद्देश्य है लेकिन विधेय दोनों का एक ही है, दोनों की क्रिया एक ही है, वो है स्कूल जाने की। तो इसी तरह से ये भी वाक्य जो है वो सरल वाक्य में ही आ जाता है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा भेद रचना के आधार पर, वो है संयुक्त वाक्य। अब इस संयुक्त वाक्य की पहचान किस तरह से है? तो देखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, सूर्य उदय हुआ और पंछी चहचहाने लगे। यहाँ पर सूर्य उदय हुआ और पंछी चहचहाने लगे, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। यहाँ पर ये दोनों अलग वाक्य हैं, पंछी का चहचहाना और सूर्य उदय होना, और उससे और ने रेखांकित किया, मीन्स जोड़ा हुआ है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना है इसलिए
अस्पताल जा रही हूँ, यहाँ पर भी यह चेकअप, मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना है अलग वाक्य है, और अस्पताल जा रही हूँ ये दूसरा वाक्य है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये दोनों भी जो वाक्य हैं उसमें से अगर हम ये समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि और इसलिए इनको अगर हम हटा देंगे तो ये दोनों भी वाक्य कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। यहाँ पर सूर्य उदय हुआ एक अलग वाक्य हुआ, स्वतंत्र है, सरल है, जिसमें एक ही क्रिया है, और पंछी चहचहाने लगे ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना है यह एक स्वतंत्र वाक्य है, तथा अस्पताल जा रही हूँ यह एक स्वतंत्र वाक्य है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से ध्यान देना है बच्चों कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जो होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं वो दोनों भी वाक्य स्वतंत्र होते हैं तथा सरल होते हैं। तो इस तरह से दोनों की क्रियाएं भी अलग होती है। तो इस तरह से समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो इस तरह से जोड़े जाते हैं। तो समुच्चय बोधक में से जो चिन्ह है उसके अव्यय के, जैसे कि और है, इसलिए है, परंतु, किंतु, इस तरह से जो है क्योंकि, इनसे ये वाक्य जुड़े जाते हैं और इसीलिए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से हमारे संयुक्त वाक्य की पहचान है। और आज का इसी तीसरा भेद है रचना के आधार पर वाक्य का मिश्र वाक्य। इस मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य तथा जटिल वाक्य भी कहा जाता है। तो उसकी पहचान कैसे है, तो जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, इसमें भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इस तरह से अन्य आश्रित उपवाक्य जिस वाक्य की रचना में होते हैं वो होते हैं मिश्र वाक्य, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे कि अब हम देखते हैं, मैंने एक कार खरीदी जो बैटरी पर चलती है, मुझे पता था कि वह आज नहीं आएगा। यहाँ पर भी दो अलग अलग वाक्य है, लेकिन इसमें से एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर इस मैंने एक कार खरीदी, यह एक वाक्य हुआ, और दूसरा जो बैटरी पर चलती है, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर किस तरह से दो वाक्य हैं, तो पहले क्या है, तो कार खरीदना और बैटरी पर चलती है, ये उसके ऊपर आश्रित है, तथा मुझे पता था कि, अब ये मुझे पता था कि ये जो वाक्य है ये प्रधान क्रिया है, प्रधान उपवाक्य है, और उसके ऊपर आश्रित है कि वह आज नहीं आएगा, क्योंकि मुझे क्या पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ ये अभी तक हुआ नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर जो बोल पहली क्रिया है कि पता होने की, और जो भी कुछ है वो बाद में कहाँ है वो उसके ऊपर आश्रित है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बैटरी पर चलती है, लेकिन पहले कार का खरीदना यह बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, प्रधान क्रिया है। तो इस तरह से यहाँ पर मिश्र वाक्य में एक प्रधान क्रिया होती है, उपवाक्य होता है, तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मिश्र वाक्य की पहचान है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर वाक्य के भेदों को सीखा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हमने देखे, सरल वाक्य जिसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, और मिश्रित वाक्य यानि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो इस तरह से यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेदों की यह पहचान है। बच्चों, मिश्रित वाक्य में जैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दिए गए हैं, अब हम जानकारी लेंगे कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचानना है। ओके, तरह से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य
होते हैं, तो उस प्रधान उपवाक्यों की और आश्रित उपवाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे, तो उस पहचान के बारे में अब हम देखते हैं। पहला पॉइंट इस तरह से है कि जिसकी क्रिया मुख्य होती है वह प्रधान उपवाक्य होता है। यह रहा उसका पहला पॉइंट। अब दूसरा यह है कि आश्रित उपवाक्य जो होता है उसका आरंभ प्राह की, जो, जिसने, जिससे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। जैसे कि हमने वहाँ पर एग्जाम्पल में देखा ही था कि किस तरह से मिश्रित वाक्य में जो से भी जुड़ा हुआ सेंटेंस था, जो से जुड़ा हुआ वाक्य रहता है वो होता है आश्रित उपवाक्य। तो ये भी बहुत आसान तरीका है आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने से। कभी कभी आश्रित उपवाक्य शुरुआत में भी आते हैं और प्रधान क्रिया बाद में भी आती है। तो ध्यान में रखना है कि जो, जिसने, जिससे, यदि, क्योंकि, इससे जो वाक्य रचना जुड़ी जाती है वो होता है आश्रित उपवाक्य। तीसरा पॉइंट इस तरह से है कि हमें मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतर करना है। देखो, एक मिश्र वाक्य हमने लिया और उसका सरल वाक्य में रूपांतर करना है। जब उस क्रिया में जैसे कि वैसे ही, यानी उस वाक्य में मिश्रित वाक्य की जो क्रिया जैसे कि वैसे ही रहती है, उस क्रिया, वो जो क्रिया होती है वो होता है प्रधान उपवाक्य, यानी वो क्रिया प्रधान उपवाक्य की होती है। और जिस क्रिया में रूपांतरित होता है यानी परिवर्तन होता है, बदल जाती है जो क्रिया, वह होती है आश्रित उपवाक्य। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि किस तरह से हमें करना है। एक आश्रित वाक्य हम मिश्र वाक्य को लिखते हैं। मिश्र वाक्य है मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। अब देखो बच्चों, यहां पर ये मिश्र वाक्य है। मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यहां पर जो है वो, यह एक क्रिया है, मोहन परिश्रम करता और अवश्य सफल होता, ये दो क्रियाएं यहाँ पर है। अब देखते हैं उसे हमें अगर सरल वाक्य में करना है तो जिस क्रिया में इन दो वाक्य के कौन सी क्रिया में बदल हो रहा है, रूपांतरित हो रही है, वो जो होता है वो क्रिया आश्रित उपवाक्य की, वो वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। अब देखो उसे, इसका सरल वाक्य हम कैसे बनाते हैं। सरल वाक्य में होगा मोहन परिश्रम करता के बदले करने पर, परिश्रम, मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो पहला वाक्य है परिश्रम करता, ये कर्ता का करने पर इस तरह से यहाँ पर परिवर्तन हुआ, इसलिए ये जो वाक्य है ये है आश्रित उपवाक्य। और अवश्य सफल होता, ये जैसे कि वैसे ही रहा, इसलिए यह रहा प्रधान उपवाक्य। तो यहाँ पर इस तरह से मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल हो जाता, यह सरल वाक्य में रूपांतरित हो गया है। तो इस तरह से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान हम तीन तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको आसानता होगी मिश्र वाक्य को पहचानने की, तथा जब हम वाक्य रूपांतर करना सीखेंगे तो उस वाक्य रूपांतर करने के लिए भी हमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को सीखने यहाँ तक ही सीखेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग दो हमने देखे, उसकी पहचान भी हमने करवाई, तथा रचना के आधार पर हमने वाक्य के तीन भेदों को भी
एग्जाम्पल सहित यानी उदाहरण सहित सीख लिया है और उसी में से हमने प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की भी पहचान आज हमने यहाँ पर करवाई है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही सीखते हैं और कल हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।